हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संचित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन बाय बॉक्स के बारे में। वो कितना इम्पोर्टेंट है एक सेलर की लाइफ में और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली वो मिलेगा कैसे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अमेज़ॉन बाय बॉक्स होता क्या है। तो आप अगर किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको बाय नाउ का ऑप्शन। तो जो बाय नाउ का ऑप्शन होता है वही असल में बाय बॉक्स होता है। अब बात आती है कि ये मिलेगा कैसे। देखिए, जब भी आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, जो कि अगर ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात यह है कि उसके जो और भी सेलर्स होंगे और भी सेलर्स से कम्पीट करने के लिए आपको अपना प्राइस जो है वो कम्पिटिटिव रखना होगा, ताकि जो आपकी लिस्टिंग है वो उन बाकी लिस्टिंग्स में से स्टैंड आउट करे। और अगर आपकी लिस्टिंग स्टैंड आउट करती है तो आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा, जिससे कि आपकी लिस्टिंग पर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। बाय नाउ का ऑप्शन अगर आपकी लिस्टिंग पर आता है तो 60-70% पॉसिबल है कि आपकी ही लिस्टिंग पर जाकर बाय नाउ का ऑप्शन क्लिक करें कस्टमर्स और उसी प्रोडक्ट को खरीद लें जो आपने पोस्ट किया है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर देख सकते हैं, ये एक मेमोरी कार्ड की लिस्टिंग है और ये लिस्टिंग के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि बाय बॉक्स मिलता कैसे है और उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और आप कैसे लिस्टिंग करें जिससे कि आपको श्योरली बाय बॉक्स जो है वो आपको ही मिले। और जैसा कि आप यहाँ राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर 14 लिस्टिंग्स और हैं। इसका मतलब ये होता है कि 14 सेलर्स और हैं जो कि ये सेम प्रोडक्ट लिस्ट किया है जिन्होंने, और वो अपने प्राइसेस पर यहाँ पे सेल कर रहे हैं। सारी लिस्टिंग रिकमेंडेड ऑफर में आपको 430 रुपीस का ये प्रोडक्ट मिल रहा है और इस पर जो है वो बाय बॉक्स इस लिस्टिंग को मिला हुआ है। और ये सेलर जो है अमेजिंग प्रोडक्ट के नाम से ये सेलर है, दो रेटिंग्स हैं और 50% पॉजिटिव रिव्यूज हैं पिछले एक साल में। लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं वो लिस्टिंग जो है वो रिकमेंडेड ऑफर में आ रही है बाकी सारी लिस्टिंग से ऊपर। उसका एक रीज़न, बहुत मेजर रीज़न ये भी है कि उसकी जो प्राइसिंग है वो बाकी लिस्टिंग्स के मुकाबले सबसे कम है। एक ये ऐसी लिस्टिंग है जो FBA लिस्टिंग भी नहीं है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं उसके नीचे वाली दो लिस्टिंग्स हैं जिनमें फुलफिल्ड का टैग आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे एक चीज़ ये और बात करना चाहूँगा कि कुछ रीजंस हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जिसकी वजह से आपको बाय बॉक्स मिल सकता है। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप जो भी लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट उस पर आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बने रहेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है वही सबसे पहले मैंने बात की कि आपको जो अपनी प्राइसिंग है वो बहुत ही कंपेटिटिव रखनी होगी। अगर आप अपनी प्राइसिंग जो है वो कंपेटिटिव नहीं रखेंगे तो मोस्ट लाइकली आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा आपको कि आप कंपेटिटिव प्राइसिंग की जगह एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स ने अपनी लिस्टिंग नहीं की हुई है और वहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत कम है, जिससे कि आपको बाय बॉक्स मिलने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली कंपटीशन जो है वो नहीं है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिस्टिंग नहीं की गई है उसी प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट की, तो आप वैसे आप कंपटीशन अवॉइड कर पाएंगे। जो दूसरी बात का आपको ध्यान रखना होगा वो है कि सेलर मेट्रिक्स जो है आपके आपकी लिस्टिंग के वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। तो जैसा कि मेमोरी कार्ड में 14 सेलर्स हैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें से जो रेकमेंडेड ऑफर में जो लिस्टिंग है, अगर हम उसकी सेलर प्रोफाइल पर जाएँ तो आप यहाँ सेलर प्रोफाइल पर देख सकते हैं कि जो उसकी शिपिंग परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये सेलर है वो 1000 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स जो है वो शिप कर चुका है और जो शिप डाउन टाइम है वो 100% है। हालांकि जो उसकी स्टार रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 2.5 स्टार रेटिंग है और 50% के हिसाब से आप देख सकते हैं कि दो रेटिंग है तो और 2.5 है तो 50% रेटिंग ही है सिर्फ। लेकिन फिर भी इसी सेलर को अमेज़न बाय बॉक्स मिला हुआ है। उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि उसकी जो प्राइसिंग है वो सबसे कम है। और यहाँ पे आप उसके नीचे देख सकते हैं बाकी सेलर जो हैं उनकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं, किसी की 479 है, हालांकि वो एक FBA लिस्टेड प्रोडक्ट है, FBA लिस्टिंग है,
उसके नीचे आप देख सकते हैं एक और 479 की लिस्टिंग है, वो भी एक FBA लिस्टिंग है। अगर जैसे ही ये अमेजिंग प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो उसकी जो इन्वेंट्री है वो अगर ख़त्म हो गई, अपने आप ऑटोमेटिकली जो बाय बॉक्स है वो RKLLP या फिर Aperio बिजनेस को चला जाएगा। तो यहाँ आप सबसे लास्ट में देख सकते हैं कि एक लिस्टिंग है जो 590 रुपीज़ की लिस्ट की गई है, सेम चीज़, हालांकि वो FBA लिस्टिंग है, पर जिस हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन है प्राइसेस का, मुझे लगता नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे इस लिस्टिंग पर। उससे भी ज़्यादा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपको जो अपने रिव्यूज़ हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ अपनी लिस्टिंग पर डलवाने होंगे, लाने होंगे। उसके लिए आप अपने कस्टमर्स को जब ऑर्डर भेजेंगे उसकी कुछ टाइम बाद, यानी एक दो दिन बाद, आप कस्टमर्स को कॉल कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक रिव्यू डालने के लिए आपकी लिस्टिंग पर, जिससे कि आपकी लिस्टिंग की जो रैंक है वो इम्प्रूव होगी। तो एंड में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अमेज़न बाय बॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करने के लिए आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें जहाँ पर प्रोडक्ट के लिए जो लिस्टिंग है वो बहुत कम है और जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत कम है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का आपको स्पॉट करना होगा ताकि आपको जो भी कॉम्पिटिशन है आप वो बीट कर सकें और आपको अमेज़न बाय बॉक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अमेज़न बाय बॉक्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।